हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाली वीडियो में देखा था कि बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम आया, लेकिन फिर एक रिवर्सल भी आ गया। लेकिन निफ्टी 50 में अलग सिचुएशन रही, ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा। हालांकि एक रिवर्सल आया, लेकिन आप इसे एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग ही कह सकते हैं। और फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ ही स्ट्रांगली पॉजिटिवली ऊपर की तरफ मोमेंटम देने की कोशिश की है। साथ के साथ मार्केट 22,000 के लेवल से भी ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है और प्राइस सस्टेन भी कर चुका है। ऐसी बहुत सारी जानकारी है जिन जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो आइए एक एक चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहले हम चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। आइए सिचुएशन समझते हैं। जैसे कि कल के दिन हमने ऑब्जर्व किया था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे चुका था और मार्केट ने इस वाले सपोर्ट जोन में एक सपोर्ट लिया था। ये चीज हम कल देख चुके थे। पहली चीज ये नोट कर लो भाई, मार्केट एक इंपॉर्टेंट जोन का ब्रेकडाउन दे रहा है, तो मार्केट उसे रिटेस्ट करने जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। भाई अगर ये पॉजिटिव कैंडल दिखाई दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से ही पॉजिटिव मूव आ जाएगा। अगर मार्केट को पॉजिटिव मूव लाना है, तो मार्केट को इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तभी मार्केट एक पॉजिटिव सेंटिमेंट की तरफ जा सकता है। लेकिन अभी जो ये पॉजिटिव कैंडल बनी है, हो सकता है मार्केट ने इस वाले सपोर्ट जोन की रेस्पेक्ट की है, साथ के साथ इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने वापस गया हो। क्योंकि अगर कल के दिन नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, तो ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है हमारे लिए, और इसी जोन में हमारा प्रीवियस डे लो भी है। साथ के साथ अगर पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहा, फिर से मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के अंदर आने की कोशिश करता है, तो ध्यान ये रखना ऊपर की तरफ ये वाला रेजिस्टेंस जोन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एक बात और ध्यान रखना, थोड़ा सा सावधान रहना कि कभी मार्केट एक पॉजिटिव मूव दे और यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे और इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट की तरह एक्ट करे और इस बीच साइडवेज जाने की कोशिश करे। अगर ये सिचुएशन बनी, तो ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करना या सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करने की कोशिश करना। समझ में आ गया, यहां तक क्लियरिटी हो गई? तो यहां पे हमने दो चीजें समझी। पहली चीज क्या समझी, अगर मार्केट पॉजिटिव होना चाहता है, तो इस वाले रेजिस्टेंस जोन का मार्केट को ब्रेकआउट देना ही पड़ेगा। पहली ये चीज समझी। अगर मार्केट नेगेटिव होता है और इस ट्रेंड लाइन को सिर्फ रिटेस्ट करने वापस आया है, तो मार्केट के लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ये बनेगा, और अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, तो मार्केट और भी ज्यादा नेगेटिव होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, यानी कि 21,600 के अराउंड भी अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। ये चीजें आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे समझ में आ गई। अब मैं आपको सीधा लेके आता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पहले लॉजिक समझते हैं, फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, उन चीजों का भी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। आइए अब इस सिचुएशन को समझते हैं। पहले लॉजिक ही प्रॉपर हम समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं लाइक टारगेट यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो 1,000 लाइक टारगेट है, जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करना शुरू कर दीजिए। अब सिचुएशन समझते हैं, थोड़ी सी सिचुएशन को समझते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, प्रीवियस डे लो, ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला जोन। ये क्या हो गया आपके लिए, प्रीवियस डे क्लोजिंग, और क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला जोन। ये वाला जोन क्या होगा, 22,000 का राउंड लेवल, ठीक है। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, और पिछला मार्केट ने जो स्विंग बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें साफ साफ दिखाई देती है, हम रोज मार्क करते हैं इन चीजों को। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि अगर मार्केट को नेगेटिव जाना है या नेगेटिव मोमेंटम दिखाना है, तो मार्केट को प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। यहाँ पे नेगेटिव कैंडल जरूर बनी है, लेकिन हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिला है, मार्केट ने इस पे सपोर्ट लेके बाउंस किया है। तो यानी कि मार्केट ने पहली चीज तो हमारे सामने क्लियर कर दी कि नेगेटिव जाने का मार्केट का मूड नहीं है। अगर हम नेगेटिव साइड कुछ प्लान करते, वो प्रीवियस डे लो से नीचे प्लान करते, उससे पहले हम प्लानिंग नहीं कर सकते। इसीलिए जो लॉजिक नहीं समझते, वो नेगेटिव या रेड कैंडल देख के नेगेटिव साइड बैठना शुरू हो गए होंगे और ट्रैप हो गए होंगे बुरी तरीके से। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट क्या था, प्रीवियस डे लो का यहाँ पे सपोर्ट था। पहली चीज हमें समझ में आ गई।
क्या यहां से पॉजिटिव साइड बैठ जाए? बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग है जो कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। उसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे यहां पे ये 22,000 का एक राउंड लेवल है, ये भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और मार्केट ने जो ये मोमेंटम दिखाया है, अगर आप देखेंगे लोअर हाइज बनाए, लोअर हाइज बनाए, ये भी लोअर हाइज बनाए, ये भी आप देखेंगे लोअर हाइज बनाए, अपने पिछली लोअर हाइज का भी ब्रेकआउट मार्केट ने अभी नहीं दिया है और नजदीक है। अगर दूर होता, मार्केट 22,000 का ब्रेकआउट देता तो हम रिस्क ले सकते थे, यहां तक स्कैल्पिंग कर सकते थे, लेकिन नजदीक बैठा है तो मार्केट में अगर पॉजिटिव जाना है तो इन सभी जोन का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। लेकिन फिर से यहां पे एक सवाल और खड़ा हो जाता है, अगर मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता, यहीं पे साइडवेज घूमता रहता, तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है और आपके प्रीमियम खाने की कोशिश कर रहा है। तो बेहतर है ऐसे मार्केट के साथ छेड़खानी बिल्कुल भी मत करो, शांति से दूर बैठ जाओ। तो यहां पे मार्केट ने क्या किया, इस वाले जोन का भी ब्रेकआउट दिया, ये आपके लिए मार्केट ने अपॉर्चुनिटी बनाई है। साथ के साथ मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म किया। मैंने आपको चार तरह के पैटर्न्स बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेन लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिला, ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट। मार्केट ने इसका फॉर्मेशन किया यहाँ पे, इसका भी ब्रेकआउट दिया। अगर कोई इस मोमेंटम को नहीं पकड़ पाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे भी एक फॉर्मेशन किया, इसका भी ब्रेकआउट देके मार्केट ने आपको एक काफी बेहतरीन सा मोमेंटम देने की कोशिश की है। यहां तक चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर हो रही है कि नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, फिर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे कि कल के दिन हम किस तरीके से मार्केट को देख सकते हैं। तो आइए 1 डे के टाइम फ्रेम तो हम डिस्कशन कर ही चुके हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट पॉजिटिव साइड जाना चाहता है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमारा डिस्कशन हुआ था, तो मार्केट को इस वाले जोन को ऊपर की तरफ निकालना पड़ेगा। भाई उससे पहले मार्केट पॉजिटिव साइड वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाने का, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। भाई पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलके सपोर्ट रहा, तो अगर मार्केट फिर से जाने लगा, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। हाँ, यहां तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं या छोटे मूव को पकड़ने की सोच सकते हैं। ठीक वैसे अगर मार्केट को नेगेटिव साइड जाना है तो मार्केट को इस वाले सपोर्ट जोन को नीचे की तरफ निकालना पड़ेगा। अगर मार्केट इसे नीचे की तरफ निकालना है, देखो ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकडाउन हो चुका है, साथ के साथ मार्केट 22,000 के नीचे भी चला जाएगा, अपने प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे देगा, तो मोमेंटम की पॉसिबिलिटी आपके लिए काफी बढ़ जाएगी। आइए अब इस सिनेरियो को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेकिन उससे पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, 1,000 लाइक टारगेट है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो ये जो पिछला स्विंग बन रहा है इस स्विंग को निकलने देना। अगर मार्केट ने इस स्विंग को निकाल दिया तो मैंने आपको क्या बताया, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी दिखाया और 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी दिखाया, आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन ये वाला हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना? तो आप फोकस करेंगे इस वाले जोन पे, ठीक है? इस एरिया में आपके लिए ये वाला रेजिस्टेंस जोन है, अगर मार्केट ने इस वाले स्विंग को निकाल दी। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो जो ये पिछला सपोर्ट है इसे निकलने देना। तो क्या नेगेटिव साइड कुछ एग्रेसिवली प्लान किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नीचे ये वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,000 का, फिर ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देख चुके हैं और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देख चुके हैं, इसलिए तो पहले उनका डिस्कशन किया, जिससे कि आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ऊपर की तरफ भी हमें ये समझ में आ रही है कि स्कैल्पिंग करो या छोटे मूव को पकड़ो, नीचे की तरफ भी हमें यही समझ में आ रही है कि स्कैल्पिंग करो या फिर छोटे मूव को पकड़ो, ठीक है? क्योंकि या तो मार्केट आपको साइडवेज करके ट्रैप कर लेगा या फिर इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन करके आपको रिवर्सल दे देगा, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। इससे बेहतर क्या है, एग्रेसिवली कुछ भी मत करो जब तक मार्केट या तो इसे ऊपर की तरफ ना निकाले या फिर इसे नीचे की तरफ ना निकाले। उससे पहले आप छोटे छोटे मूव पे फोकस करते रहो, वहां से आपको मार्केट के बारे में क्लियरिटी मिलती रहेगी। अगर मार्केट आपको देता है गैप अप ओपनिंग, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है।
इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दी तब भी आप इसी स्विंग पे फोकस रखेंगे। अगर मार्केट ने इसी जोन के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दी और ब्रेकआउट दे दिया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसी जोन में बनेगा। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग देके मार्केट रिवर्स होता है तो आपके लिए पहला सपोर्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग, फिर ये वाला स्विंग, इसका ब्रेकडाउन मिला तो 22,000, इसका ब्रेकडाउन मिला तो प्रीवियस डे लो, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। समझ में आ गया चीजें, क्लियर हो गई। लेकिन अगर मार्केट दे देता है आपको गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग के उसमें आप इस वाले सपोर्ट जोन पे फोकस रखेंगे। अगर मार्केट यहीं पे गैप डाउन ओपन होके ब्रेकडाउन देता है, आपको फॉलोअर कैंडल मिलती है, तो नीचे की तरफ आपको सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज पता है। लेकिन अगर रिवर्सल आने लगा तो पहला सपोर्ट प्रीवियस, पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो ये वाला स्विंग, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो इस वाले जोन में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू।